हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फाइनेंस सेवा चैनल में। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको होम लोन की पूरी जानकारी देना चाहते हैं। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि होम लोन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसको कौन ले सकता है। होम लोन एक लोन है जो किसी व्यक्ति को किसी बैंक से फिक्स या वेरिएबल ब्याज पर मिलता है और हर महीने EMI यानी कि किस्तों के साथ चुकाना होता है। प्रॉपर्टी को होम लोन के लिए लोन देने वाली कंपनियों द्वारा सुरक्षा के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि होम लोन के प्रकार। होम परचेज, यह वह लोन है जो घर खरीदने के लिए लिया जाता है। होम इम्प्रूवमेंट, इस लोन में आपके घर के रिपेयर से संबंधित खर्चों के लिए लोन मिलता है। होम कंस्ट्रक्शन, इस लोन को लेने के लिए आवश्यकता तब होती है जब आप एक नया घर का निर्माण करने लगे हैं। लैंड परचेज लोन, इस लोन में आप प्लॉट खरीदने के लिए लैंड परचेज लोन का लाभ उठा सकते हैं। होम एक्सटेंशन, मान लीजिए आप अपने घर में बाथरूम, किचन या कमरा जोड़ने की योजना बनाई है, तब आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइंट होम लोन, इस लोन में आप परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य मिलकर लोन ले सकते हैं, उदाहरण के लिए पति पत्नी या कोई करीबी रिश्तेदार। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, आप अपना बकाया लोन शुल्क को बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस और कम ब्याज पर दूसरे लेंडर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। टॉप अप होम लोन, इस लोन में आप अपने चल रहे लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लोन ले सकते हैं। इसके बाद आपको मुख्य होम लोन सुविधाओं के बारे में जानना बेहतर ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिक्स या वेरिएबल रेट, फिक्स रेट, इस पर मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता और इनमें कभी बदलाव नहीं होता। यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक ऑफर है जो चाहते हैं कि होम लोन की अवधि में उनकी ब्याज दरें ना बढ़ें। वेरिएबल रेट, एक परिवर्तनीय ब्याज दर है, यह कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है, जो कि रिजर्व बैंक तय करता है। होम लोन की अवधि 25 से 30 साल तक की हो सकती है। कम अवधि के लिए लिए गए होम लोन की इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है व ब्याज कम होता है। रिपेमेंट फ्रिक्वेंसी, अपनी लाइफस्टाइल और इनकम के आधार पर आप मंथली इंस्टॉलमेंट से अपने होम लोन को चुका सकते हैं। अर्ली रिपेमेंट, आप अपने लोन का समय से पहले काफ़ी सारे विकल्पों के साथ भुगतान कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन पॉसिबल, आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का 130% तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम होम लोन के प्रोसेस को समझते हैं। हमारी टीम आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को हमारी सुरक्षित टेक्नोलॉजी सर्वर में सेव कर देगी, जो कि अननोन डेटा को सीधे 130 बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस में भेजती है। लोन एप्लीकेशन को पूरा करेंगे, आप हमारे द्वारा दी गई चेकलिस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे। आप सबसे पहले लोन एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करेंगे। हम आपकी फाइल प्रोसेस करने के लिए आगे बैंक से फाइनेंशियल सर्विस भेजेंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, क्रेडिट टीम के द्वारा डॉक्यूमेंट्स का एनालाइज होगा, लीगल टीम द्वारा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स का एनालाइज होगा, अप्रूवल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ क्लाइंट को लोन एग्रीमेंट पर साइन करना होगा, उसके बाद लोन का डिस्ट्रीब्यूशन। सिबिल स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच होती है। स्कोर जितना ज़्यादा होगा, लोन मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। आपका सिबिल स्कोर शो करता है आपकी पिछली पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही। अपने क्रेडिट हिस्ट्री पर ध्यान दें, लेंडर पहले से ही जान लेते हैं कि आप लोन चुकाने के लिए डिसिप्लिन हो या नहीं। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एक भी गलती आपके घर के लोन एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए रोक देती है, इसलिए यह आप सभी को एडवाइस दी जाती है कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को पहले ही जांच लें और गलतियों को ठीक कर लें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। करंट लोन को क्लियर करें जो आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी को कम कर सकती है। अपने जीवन साथी और माता पिता को जोड़ना, अपने जीवन साथी और माता पिता को एप्लीकेंट के रूप में जोड़ सकते हैं, जो आपके एलिजिबिलिटी को बढ़ाएगा और किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते समय आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.financesever.com पर कर सकते हैं और हमें संपर्क करें 9863020202 पर और हमें मेल करें contact@financesever.in पर। आशा है
आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी से खुशी होगी। दोस्तों, नए अपडेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।